गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज एक रिक्रूटमेंट आई है एनएलसी इंडिया की तरफ से, जो कि सभी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए ये वैकेंसी आई है। ठीक है, तो हर कोई अप्लाई कर सकता है इसमें। हर एक के लिए कोई ना कोई जगह दे रखी है इन्होंने। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो इसको ज़रूर, इस वीडियो को पूरा देखें और इसमें ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, तो एनएलसी इंडिया की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आए हैं, नवरत्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस की तरफ से है। ठीक है, तमिलनाडु में ये इनकी जो ऑफिस है ये बता रखा है इन्होंने। ठीक है, तो सीधा चलते हैं पोस्ट की तरफ। तो जीईटी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट है ये। ठीक है, जिसमें जो वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही सभी ब्रांचेस के लिए दे रखा है, जैसे कि मैकेनिकल में 125 पोस्ट है। ठीक है, अनरिजर्व के लिए 52, ओबीसी के लिए विथ नॉन क्रिमिलियर 32, एससी के लिए 29, एसटी के लिए 9, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 12। ठीक है, तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है इन्होंने रिजर्वेशन के साथ और ओपन कैंडिडेट्स के लिए भी। साथ ही में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इन्होंने दे रखी है कि पार्ट टाइम या फुल टाइम बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। ठीक है, विथ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज अ 60% फॉर अनरिजर्व, इकोनॉमिकल वीकर और ओबीसी के लिए, या फिर 50% फॉर एस सी एस टी के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल में 65 पोस्ट हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपकी। फिर इलेक्ट्रिकल ईसीई में 10 पोस्ट हैं टोटल, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होनी चाहिए। फिर साथ में सिविल के लिए 5 पोस्ट हैं, फिर से इसमें सिविल इंजीनियरिंग या सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। फिर उसके बाद कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 15 वैकेंसीज निकली हैं। ठीक है, डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, तो इंस्ट्रूमेंटेशन की सभी ब्रांचेस में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में 5 वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर में डिग्री कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन की किसी भी डिग्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ माइनिंग में भी है 5 वैकेंसीज। ठीक है, डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद जियोलॉजी में पार्ट टाइम और फुल टाइम एमटेक इन जियोलॉजी होनी चाहिए या फिर एमएससी इन जियोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन सभी का 60% है फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी नॉन क्रिमिनल वालों के लिए, और एससी वालों के लिए 50% है। ठीक है, उसके साथ फाइनेंस में टोटल 4 पोस्ट हैं। ठीक है, फाइनेंस में इन्होंने दे रखा है कि पास इन फाइनल एग्जाम ऑफ सीए चार्टेड अकाउंट में, ठीक है, और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया में, ठीक है, या फिर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, अगर किसी और डिसिप्लिन में कर रखी है डिग्री तो भी चलेगी, लेकिन विथ एमबीए ऑफ मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है, उसके साथ मार्क्स का क्राइटेरिया भी उन्होंने दे रखा है, 60% मार्क्स होगा। ठीक है, 50% एस सी एस टी के लिए, और साथ ही में जो एमबीए रहेंगे, ठीक है, वो ग्रेजुएशन के बाद भी उनका जो जो भी कोई डिसिप्लिन होगा वो सेम होना चाहिए जो जिसमें वो आपने पहले डिग्री कर रखी होगी। ठीक है, या फिर आपको कोई ना कोई रिलेवेंट प्रूफ कोई भी दिखाना पड़ेगा कि हाँ आपने इसमें फाइनेंस मैनेजमेंट में कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, या फिर फाइनल ईयर में आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट के 2 सेमेस्टर में अगर कोई भी सब्जेक्ट आपने फाइनेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ा है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है, फिर एचआर में भी हैं, एचआर में टोटल 10 पोस्ट हैं। ठीक है, एचआर में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, सोशल वर्क, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर वेलफेयर, ठीक है, या फिर डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, एचआरएम, लेबर वेलफेयर, लेबर मैनेजमेंट, लेबर एडमिनिस्ट्रेशन, लेबर स्टडीज़, तो इसमें से किसी में भी अगर आपने डिग्री कर रखी है तो भी आप एचआर में एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर डिग्री लॉ में है तो भी आप डिज़ायरेबल है, मतलब और उनकी अच्छी इच्छा होगी आपको लेने के लिए। ठीक है, फिर कैंडिडेट नॉट पजेसिंग ग्रेजुएशन डिग्री आर नॉट एलिजिबल, यानी कि जो फाइनल ईयर में है वो एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने कंप्लीट कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है, डिप्लोमा शुड हैव बीन कंप्लीटेड आफ्टर ऑब्टेनिंग अ डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, तो किसी भी डिसिप्लिन में करने के बाद आपकी डिप्लोमा या डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। फिर इसमें भी वही सब बता रखा है कि कोई भी प्रूफ चलेगा अगर आपके लास्ट सेमेस्टर में अगर कोई सब्जेक्ट है एचआर रिलेटेड या पर्सनल मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर वेलफेयर, इसमें से किसी में भी अगर आप हैं तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो इन सभी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें भी आप इसमें एलिजिबल होंगे उसमें। ठीक है, तो आगे देखते हैं और क्या बता रखा है। अपर एज लिमिट बता रखी है 30 होगी फॉर जनरल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, ओबीसी और नॉन क्रिमिनल के लिए 33 ईयर्स होगी, एससी के लिए 35 और एसटी के लिए 35 होगी।
ऑलराइट right, तो यहाँ पे सीजीपीए के बारे में बता रखा है। सीजीपीए अगर आपका आउट ऑफ 10 होगा तो 6 आपका जो है विल बी कंसिडर्ड एज ए 60। तो 6 अगर पॉइंटर है आपका तो 60% उसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और अगर 5 होगा तो 50% एससी एसटी वालों के लिए। फिर बात करेंगे जो पे स्केल होगा। तो पहले ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के जो सिलेक्शन होगा उनको 1 ईयर का ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग में आपको जो बेसिक पे होगा वो 50,000 होगा, ठीक है। और स्केल जो होगा वो आपको 50,000 से लेकर 1,60,000 तक होगा, ठीक है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो E3 ग्रेड में आपका सिलेक्शन होगा उसमें जो आपकी पेमेंट होगी वो 60,000 से लेकर 1,80,000 तक होगी, ठीक है। बेसिक पे आपको 60,000 ही होगा। तो ये बहुत ही अच्छी एक वैकेंसी आई है। फुल पेमेंट इन्होंने दे रखी है 60,000, 50,000, ये बहुत बड़ी रकम होती है। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो इस वीडियो को हल्के में ना लें, इसमें ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। सभी के लिए इसमें चांसेस है, सभी ब्रांचेस हैं इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं रिलैक्सेशन क्या क्या दे रखा है इन्होंने। जो रिलैक्सेशन है वो 354 रुपीज़ होगा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विस मैन के लिए, ठीक है। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, ठीक है। 3 ईयर्स का ओबीसी के लिए, एससी एसटी में 5 ईयर्स, 3 ईयर्स ओबीसी में, 10 ईयर्स फिजिकली बेंचमार्क में होंगे अगर आप तो, ठीक है। तो ये सब पढ़ लीजिए आप, ये सभी रिलैक्सेशन है। आपके पर्टिकुलर आपकी जो रिजर्वेशन होगी या आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें उसके लिए क्या क्या जो दे रखी है रिलैक्सेशन उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद सीबीटी जो आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी या ऑनलाइन एग्जाम होगी वो बता रखी है कैसे कैसे होगी। तो इसमें दे रखा है 2 घंटे की आपकी एग्जाम होगी। क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट में 40 क्वेश्चन होंगे जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, डेटा इंटरप्रिटेशन, जनरल इंग्लिश होगी, ठीक है, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद पार्ट टू में 80 क्वेश्चन होंगे जो कि आपकी प्रोफेशनल नॉलेज पे होगी, यानी कि आपकी कौन सी डिसिप्लिन है यहाँ पे जो आपने दे रखी है, कौन सी जो ब्रांचेस हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर, फाइनेंस, एचआर, तो उसके बेसिस पर जो है आपका पेपर होगा, पेपर नंबर टू, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन होंगे इसमें टोटल, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे एमसीक्यू के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन होगा वन वन मार्क्स का होगा, ओके। यानी कि 120 प्लस 40, 160 मार्क की ये पूरी एग्जाम होगी। नेगेटिव मार्किंग भी दे रखी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 0.25। तो नेगेटिव मार्किंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 0.25 मतलब कम है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। उसके बाद पेपर पूरा आपका इंग्लिश में होगा, ठीक है। भले ही ये किसी और राज्य में या किसी और स्टेट में हो तब भी आपका पेपर इंग्लिश में ही होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 50% मार्क्स होंगे, ठीक है। और जो ओबीसी एससी एसटी के लिए 40% मार्क्स होंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा मतलब बात है कि यहाँ पे कट ऑफ इन्होंने बहुत ही कम रखा है, 50 और 40%, ठीक है। फिर मेथड ऑफ सिलेक्शन किस किस तरीके से होगा वो बता रखा है। जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो सेलेक्ट होंगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए वो 6 टाइम्स होंगे, ठीक है। यानी कि जितने भी वैकेंसीज होंगी उसके 6 × 6 किए जाएंगे और उतने बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो ये भी एक अच्छा खासा चांस है कि 6 टाइम्स यानी बहुत बड़ी जो है बंच ऑफ स्टूडेंट्स आपको सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। फिर जो आगे देखते हैं और क्या क्या दे रखा है। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी दे रखा है, 20% वेटेज होगा इंटरव्यू के लिए और 80% जो होगा आपका ऑनलाइन एग्जाम के ऊपर, ओके। कंपेंसेशन दे रखा है कितना कितना रहेगा, ये 50,000, 1,60,000, ठीक है। ऐसे टोटल मिलाकर 13 लाख, 13.64 का आपको ये पैकेज मिलेगा जो कि ईयरली बेसिस पर होगा। उसके साथ साथ जो सभी अलाउंसेस हैं बेसिक पे के साथ, डियरेंस अलाउंसेस, ठीक है, वो 17.2%, कॉमन अलाउंस, ये सब कुछ दे रखा है इसमें, आप इसको ज़रूर पढ़ें, ओके। बात करते हैं, आपको एक बॉन्ड भी साइन करना पड़ेगा जो कि 1 लाख का होगा, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ, जो कि मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स रहेगा, ओके। कैसे कैसे अप्लाई करना है, ये वाली वेबसाइट है nlcindia.com पे जाके आपने ये सब कुछ फिलअप करना है, ठीक है, रजिस्टर करना है, फिर उसकी प्रिंटआउट निकालनी है, ये सब पढ़ लीजिए। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल होगा वो 18 मार्च से स्टार्ट होगा और 17 अप्रैल तक रहेगा, यानी कि 1 महीने का पूरा टाइम इन्होंने दे रखा है, ओके। आगे बात करते हैं पेमेंट ऑफ फी की। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल अमाउंट ऑफ 8,554, सॉरी 854 रुपीज़ की जो है फी आपको फिलअप करनी पड़ेगी फिलअप करते वक्त। यानी कि ओपन कैंडिडेट्स के लिए 854 है जिसमें से 500 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ी है,
ठीक है, और प्लस 354। तो अगर आप ओपन में हैं तो आपको 854 फी पड़ेगी, लेकिन अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विस मैन में हैं तो आपको सिर्फ 354 रुपीज़ फिलअप करनी पड़ेगी, फिलअप करते वक्त पे करनी पड़ेगी। ओके, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जेपीजे और पीडीएफ के फॉर्मेट में तैयार रखने हैं, और फाइल साइज़ भी दे रखी है, जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज़, कलर फोटोग्राफ, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो भी दे रखी है, इमेज ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ होना चाहिए, कोई अगर आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो भी चल सकता है, फिर कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट का कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एससी एसटी में अगर आप हैं या कोई किसी भी कैटेगरी में है तो उसका कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिजिकली डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो उसका भी कोई प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ऑनलाइन पोर्टल पे स्कैन करके डालनी पड़ेगी, ठीक है, फॉर्म फिलअप करते वक्त। ओके, जो एप्लीकेशन फ़ी है वो फिर से इन्होंने बता रखी है कि अनरिजर्व इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 500 रुपीज़ है, जिसमें 300 रुपीज़ प्लस 354 है, इसका मतलब टोटल 854 है। सो एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी और एक्स सर्विस मैन के लिए ये जो INR 500 है वो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन 354 जो है आपको फिलअप करनी पड़ेगी, प्लस 18% ऑफ GST जो कि 54 होगा, यानी कि यहाँ पर टोटल 400 रुपीज़ आपको फिलअप करनी पड़ेगी। तो टोटल फी इन्होंने दे रखी है 354। बात करते हैं डेट्स की, तो इम्पोर्टेंट डेट में जो ऑनलाइन सबमिशन आपका जो स्टार्ट होगा वो 18 मार्च से स्टार्ट होगा, सुबह 10 बजे से, क्लोजिंग जो होगा वो 17 अप्रैल होगा, यानी कि ये पूरा 1 महीने का टाइम दे रखा है, आपको अच्छा खासा पीरियड मिल सकता है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, जो आपको जो जो भी आपका सिलेबस होगा उसके बेस के ऊपर, ठीक है, आपका जो डिसिप्लिन होगा उस डिसिप्लिन में आप पढ़ाई कर सकते हैं। लास्ट डेट भी 17 अप्रैल ही रहेगी, और डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है उससे भी ज़्यादा, यानी कि 26 मई में होगी, तो फिर यहाँ पे 2.5 मंथ का लगभग इन्होंने टाइम दे रखा है, तो अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, पढ़ाई करें, ठीक है। इसमें मे भी ये टेंटेटिव है शेड्यूल, तो इससे भी आगे बढ़ सकती है अगर डेट बढ़ी तो, लेकिन इतना 2.5 मंथ बहुत होता है आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। ऑल राइट गाइज, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई है ये, इसमें ज़रूर अप्लाई करें, हर किसी के लिए चांस दे रखा है, हर एक ब्रांच है यहाँ पे, इंजीनियरिंग की है या MBA हो या फाइनेंस हो, लॉ हो, HR हो, तो हर किसी में आप अप्लाई करें। NLC इंडिया एक बहुत ही बड़ी गवर्नमेंट की एंटरप्राइज़ है, पेमेंट भी अच्छा है, अगर आप इसमें एलिजिबल होंगे तो ज़रूर अप्लाई करें। साथ ही में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच सके, और उस बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, ठीक है। साथ ही में जितना हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि हर किसी तक ये पहुंच सके, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।